कल हमने सीखा था कि संज्ञा के प्रकार कितने थे? पांच थे। उसमें से हमने दो प्रकारों को जान लिया है, वो कौन से है? समुदायवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या है और भाववाचक संज्ञा यानी कि क्या है, यहाँ पर मैं अभी आपको लिखकर समझाऊंगी, ठीक है। तीसरा वाला है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति के गुण, दोष या भावों को सूचित करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं अपने पिताजी को बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, या आप यदि लड़का है तो करता हूँ कह सकते हैं, ठीक है। योगा पहला वाला, मैंने अपनों से द्वेष किया, ठीक है। तीसरा वाला है, मैंने अपने माँ के लिए जीवन त्याग दिया, ठीक है। चौथा, बुढ़ापा बहुत कठिन होता है, ठीक है। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति के गुण, दोष या भावों को सूचित करने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने पिताजी को बहुत प्रेम करती हूँ, यहाँ पे प्रेम क्या है? भावना है, ठीक है। मैं अपनों से द्वेष
किया, मैंने अपनों से क्या किया, द्वेष किया। यहाँ द्वेष भी एक भावना है। मैंने अपने माँ के लिए जीवन त्याग दिया, मैंने अपने माँ के लिए जीवन मैंने त्याग दिया, मैंने क्या है यहाँ पे, त्याग एक भाव है। और बुढ़ापा बहुत ही कठिन 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 होता है। बुढ़ापा है यहाँ पे, बुढ़ापा जो है वो एक वृद्धावस्था का भावना। ठीक है, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अभी जो आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अभी हम द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा जो है द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी तरह के पाननीय पाननीय पदार्थ को सूचित सूचित करने वाले या द्रव्य वस्तु को सूचित सूचित करने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए गिलास में पानी है, गिलास में पानी है। दूसरा वाला जो है सोने का भाव आसमान छू रहा है। ठीक है, तीसरा वाला जो है तेल से पकवान तेल का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया उदाहरण। यहाँ पे क्या है, पानी जो है यहाँ पे द्रव्य है, सोना जो है वहाँ पे ये भी द्रव्य है, और तेल जो है ये भी द्रव्य है। और क्या है ये द्रव्य, यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोहा कह सकते हैं, या तो कोयले की कोयला कह सकते हैं, कोयले की खान कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है द्रव्य को सूचित करने वाले शब्द होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक संज्ञा किसी तरह के पाननीय पदार्थ
को सूचित करने वाले या द्रव्य को वस्तु को सूचित करने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, गिलास में पानी है, सोने का भाव आसमान छू रहा है। ठीक है, तेल का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। जैसे मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, पानी जो है द्रव्य है, सोना है वो भी द्रव्य है और तेल है वो भी द्रव्य है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये लर्न कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।